भाजपा के जिला अध्यक्ष शिव अरोड़ा आज काशीपुर पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस वार्ता कर बीते दिनों सरकार की तरफ से लोगों के लिए किए गए प्रयासों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के चलते अमेरिका जैसा देश कोरोना वायरस के सामने नतमस्तक हो गया, जबकि भारत का सौभाग्य रहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन जैसे निर्णय तुरंत लिए, जिसकी वजह से हम इसे नियंत्रित करने में सफल रहे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्य के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा मजदूर तबके के लोगों की राहत सामग्री के वितरण के रूप में मदद की गई। इस दौरान सभी ने सामाजिक संगठनों तथा प्रशासनिक अमले के द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के भरसक प्रयास किए गए। पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से लेकर प्रदेश नेतृत्व के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने बूथ स्तर तक लॉकडाउन शुरू होते के साथ ही मोदी किचन लगाकर लोगों को भोजन उपलब्ध कराने का कार्य किया है। उधम सिंह नगर जिले के 117 स्थानों पर मोदी किचन संचालित की गई तथा 5.5 लाख से अधिक भोजन के पैकेट, 58,000 कच्चे राशन के किट बांटे गए। जिले भर में कोरोना वायरस के संक्रमण के मामलों को देखते हुए पार्टी के आगे की रणनीति पर उन्होंने कहा कि आने वाले समय में बाहर से आने वाले प्रवासियों को देखते हुए उत्तराखंड प्रवासी सहायता मोबाइल वैन पार्टी के द्वारा संचालित की जा रही है। देखिए, ये जो कोरोना वायरस संक्रमण आया, जो महासंकट आया, ये पूरे देश पर आया। हमारा सौभाग्य रहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तुरंत निर्णय लिए गए, लॉकडाउन हो गया और काफ़ी हद तक उसके दुष्प्रभाव से हम बच गए। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने तुरंत निर्णय लेते हुए उत्तराखंड में लॉकडाउन किया। गरीबों की आवश्यकताओं की पूरी करने के लिए राशन किट पहुँचाना है, मुख्यमंत्री राहत कोष से, आपदा राहत कोष से वो किया गया। लेकिन ये सारा समाज इसमें लगा। भारतीय जनता पार्टी उधम सिंह नगर जिले के कार्यकर्ताओं ने भी तुरंत अपने केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार अपने सामाजिक दायित्व का निर्वहन करते हुए पूरे जिले में मोदी किचन आरंभ की। 117 स्थानों पर मोदी किचन चली। 5,48,000 भोजन के लगभग पैकेट हम लोगों ने बांटे अभी तक। खाने के जो राशन किट है, सूखे राशन किट, वो हजारों की संख्या में वो बांटी गई। और वर्तमान परिस्थितियों में समाज के साथ खड़े होकर इस महासंकट से लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे मनोयोग के साथ, प्रशासन के साथ खड़े हैं। अभी जो प्रवासी उत्तराखंडी की जो एक अपने आप में बहुत बड़ी समस्या आई है कि अचानक उनका आवागमन आरंभ हुआ है, तो ऐसे बहुत लोग जो पैदल आ रहे हैं, जिनके पास खाने के लिए भोजन नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, तो हमारे केंद्रीय नेतृत्व माननीय शिव प्रकाश जी, माननीय श्याम जाजू जी, प्रदेश का नेतृत्व माननीय बंशीधर भगत जी, माननीय अजय कुमार जी, आपके निर्देशानुसार तुरंत हमने अपने ज़िले में मोबाइल वैन तैयार की हैं। वह मोबाइल वैन प्रशासन के साथ समन्वय करके जो भी ऐसे उत्तराखंड प्रवासी आ रहे हैं, उनके लिए पानी की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, उनके लिए मेडिकल सुविधा की व्यवस्था, अगर चप्पल आदि की आवश्यकता है तो चप्पल आदि की व्यवस्था, ये तुरंत हम दे सकें। इस प्रकार की भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा आरंभ किया गया है। जितने उत्तराखंड प्रवासी आए हैं, उनमें अधिकांश लोग क्वारंटाइन सेंटर में रखे जा रहे हैं, तो उन क्वारंटाइन सेंटर में प्रशासन का समन्वय करके उनका भोजन की व्यवस्था ठीक रहे, पीने का पानी ठीक मिले, साथ साथ उनकी दिनचर्या ठीक रहे, योग, व्यायाम, प्राणायाम, खेल, भजन, उसके लिए ढोल, और इस प्रकार का उनकी एक दिनचर्या बने जिससे वो 14 दिन पूरे सकारात्मक ऊर्जा में रहें, तो इसके लिए भी हमने हर क्वारंटाइन सेंटर के समन्वय घोषित किए हैं। इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी पूरे संगठन, बूथ तक का संगठन, इस महासंकट के समय में समाज के साथ खड़ा है। अपने केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व के निर्देश अनुसार हमारा बूथ तक का कार्यकर्ता इसमें लगा हुआ है।